इसलिए अजनबी नाथ पड़ा कि पहले एक वहाँ महंत रहते थे जिनका नाम अजनबी नाथ था। अजनबी नाथ जी, महंत जी का नाम अजनबी नाथ था, जो प्रत्येक दिन यहाँ से 700 किलोमीटर दूर से बाबा के नगरी में पाए हैं। क्या चंबा वाला, कितना उम्र आपका हुआ? हमारा 60 साल का उम्र है। पैर में भी प्रॉब्लम है, फिर भी ये यात्रा के लिए आए हुए हैं। ये भी सावन का पहला दिन है, क्योंकि कोई भी लोग यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस को, इसलिए हम इस पे सवाल किया। हम खुद एक्टिव है यहाँ पे, हम खुद खड़े होकर काम कर रहे हैं सुबह 8 से। अभी एक घाट सुनिए बोलने दीजिए, एक घाट का भी उद्घाटन नहीं हुआ है, दूसरा घाट का मांग कर दिए। आदमी अपना सब कुछ न्यौछार करने के लिए तैयार है, तो ये छाले क्या है? छाले तो फूल की तरह है। नमस्कार, मैं आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हम सुल्तानगंज के अजगबी नाथ मंदिर में खड़े हैं। इंटविज मंदिर के बाहर जो यहाँ का प्रांगण है, जहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं, यहाँ से स्नान करके कांवरिया 108 किलोमीटर तय करके देवघर की ओर निकलते रहते हैं डेली। इतना ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या होता है कि आप देख के चौंक जाएंगे। एक बार घुमा के पूरा जनसंख्या यहाँ का दिखाओ। आज पहला दिन है सावन का, आज कितना ज़्यादा लोग यहाँ जमा हुए हैं दिखाइए। एक बार कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा घुमा के दिखाइए कितना लोग हैं। और यहाँ पे एक नया घाट बनाया गया है, इसका उद्घाटन आज रात में होने वाला है। आज सावन का पहला दिन है और इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगा है, और लोगों से आपको बात करवाएंगे यहाँ का। पहले हम मंजर आपको दिखा दें, कितना भयावह मंजर है यहाँ पे, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। और SDRF की टीम यहाँ की सुरक्षा के लिए लगी हुई है। SDRF की टीम एक बार जूम करके दिखा दो उधर, SDRF की टीम यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगी हुई है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि SDRF की टीम जो है, कोई डूबे नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए लगी हुई है। और लोकल नाव को भी यहाँ पे रखा गया है, जो अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं ये लोकल नाव है। बाकी SDRF की टीम बिल्कुल आगे है, आगे एक बार जूम करके दिखा दो, बिल्कुल आगे जो नया घाट बना है उधर SDRF की टीम सुरक्षा में लगी हुई है। और ये आज पहला दिन है और इतना ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। और आपको एक हम खास बात बता दें यहाँ पे पूरे देश भर से लगभग 7 से 8 लाख लोग आते हैं। कोरोना में 2 साल ये बंद था, ये तीसरा साल अभी कोरोना के बाद ये ओपन हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, इस बार बहुत ज़्यादा लोग आने का उम्मीद है। लगभग 10-12 लाख लोग आएंगे पूरे एक महीना में। बाबा, यहाँ का क्या खासियत है, कुछ बताइएगा? यहाँ का क्या खासियत है? यहाँ जो है सुल्तानगंज घाट जो है, ये बाबा स्थल ही सबसे पवित्र है। बिहार की विश्व में ही शुद्ध है, इसलिए बाबा से पूछते हैं। बाबा, यहाँ पे क्या 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 खासियत है जो इतना ज्यादा भीड़ लगता है? सुल्तानगंज की बहुत बड़ी महत्व है। यहाँ भागीरथी गंगा होने के साथ जहांगीरी गंगा भी होती है। यहाँ से जहांगीर गंगा का नाम से जाना जाता है। उत्तरवाहिनी गंगा का महात्मा है सुल्तानगंज में, इसीलिए बहुत से यात्रियों का आना आवागमन लगा रहता है। कितने कितने दूर से लोग यहाँ आते हैं? हमें लगता है कि पूरे भारतवर्ष से आते हैं। और कोरोना के पहले यहाँ पे पूरे एक महीना में कितना लोग लगभग आते होंगे? पूरे महीने में 8-10 लाख लोग का आंकड़ा लगाया गया है, इस बार उससे भी ज़्यादा आंकड़ा है। निश्चित उस आंकड़े को पार करेगा। और यहाँ पे जो प्रशासन का मतलब ड्यूटी है, वो किस तरह से निभाया जा रहा है? अभी तो अब लग रहा है कि प्रशासन की ड्यूटी अब अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे एक नया घाट भी बना हुआ है जी, सीढ़ी का निर्माण हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है अभी तक। उद्घाटन हो जाना चाहिए, पब्लिक के लिए बना हुआ है, पब्लिक का चीज़ है तो पब्लिक को हाथ में दे देना चाहिए, मगर पब्लिक देख रहे हैं इधर उधर छितरा रहा है, कहीं इधर नहा रहा है, कहीं उधर नहा रहा है, स्नान करने का जगह नहीं है उसको। यहाँ नेताजी लोग अपना पहले मंच पे अपना जी अपना वर्चस्वता पहले मंच पे दिखा देंगे, उसकी फीता काटेंगे, फिर पब्लिक नहाएगा या जैसे भी मेला। बाद में नहीं, उसके बाद वहाँ जो हंसराज रघुवंशी जी आ रहे हैं वो आएंगे, फिर फीता काटेंगे, इसके बाद लोग स्नान करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दिन लेट हुआ पब्लिक को, एक दिन एक दिन नहीं पब्लिक के लिए तो समझिए कि आज 16 दिन लेट हुआ। यह मेला ढाई माह का होता है जी। आषाढ़ अमावस्या से शुरू हो जाता है मेला और भादव पूर्णिमा तक चलता है, 2.5 माह का मेला है, मगर प्रशासन इसको काट छांट के समझिए 29 दिन में ला के रख दिया है जी श्रीमान। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस मेला का इतना ज़्यादा महत्व है। यहाँ से लोग जल भरते हैं और 108 किलोमीटर यात्रा करते हैं, उसमें भी डाक बम का क्या खासियत है, अगर वो आप बताएं हमको? डाक जल का खासियत है कि देखिए, अपने बाल बच्चे के लिए या किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी भी मनोकामना हेतु डाक बम अपने यात्रा करते हैं यहाँ से, कि अगर बाबा को डाक जल संपर्क कराएंगे तो बाबा जल्दी हमारे ऊपर ध्यान देंगे। और इसी को ले के आज डाक बम भी कम नहीं है, कम से कम समझिए 1/4
डाक बम को कहा जाता है कि एक बार जल भरने के बाद 108 किलोमीटर बिना रुके, बिना थके और बिना पानी पिए यात्रा करते हैं। हाँ, पानी की तो नहीं है, पानी तो पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मगर क्या है, पांव उसका रुकना नहीं चाहिए। पांव नहीं रुकता है ना जी, पांव नहीं रुकना चाहिए, मतलब वही डाक हुआ। मतलब देख लीजिए, रात हो या दिन हो, डाक बम अगर वो काबर उठा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, यहाँ से जल भर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू 108 किलोमीटर चलेंगे जब तक बाबा पे जल नहीं ढार दे। जी जी, बाबा पे। इसके बाद उनका जो मनोकामना होगा वो बिल्कुल सफल होगा जी। ये मतलब यहाँ का मतलब कि कहना है, यहाँ का मतलब लोग विश्वास करते हैं उस पे। हाँ, इस बात पे विश्वास करते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और यहाँ का मेला के बारे में अगर कोई खास चीज है तो वो हमें बताएं। मेला के खास तो यही है कि हम लोग अजगैबीनाथ के महात्म से जाने जाते हैं। गंगा के बीच में हमें यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। अजगैबीनाथ जो है, मतलब यहाँ पे कौन से भगवान का पूजा होता है, अजगैबीनाथ का मतलब ऐसे नाम क्यों पड़ा, ये सब कुछ अगर आपके है, आपके पास ऐसा नॉलेज तो बताइए। इसलिए अजगैबीनाथ पड़ा कि पहले एक वहाँ महंत रहते थे जिनका नाम अजनबी नाथ था। अजनबी नाथ जी, महंत जी का नाम अजनबी नाथ था, जो प्रत्येक दिन यहाँ से 24 घंटे में ही जाना और आना उनको जल भर के था बाबा का। यहाँ से जाना, बाबा को जल चढ़ाना, यहाँ चले आना, मतलब टोटल उनका जो पूरा दिनचर्या था जिसमें जाना और आना में कट जाता, 108 किलोमीटर जाना और आना, बस इसी में समय कट। मगर महादेव की कृपा हुई, उनको दर्शन दिए प्रभु, बोले कि नहीं, आज से तुम इसी मठ पर विराम करते रहोगे, सुबह 7 से 8 तक और रात के 7 से 8 तक मैं यहीं दर्शन दूंगा। और जितना भी मतलब भक्त भक्त होंगे वो साल में एक बार जो है ना आपके लिए मतलब डेली आएंगे जाएंगे, जो आप परिश्रम किए वह अब आपको नहीं करना है, वह आपके बदले अब जनता करेगा। देख लीजिए, हमारा जो सिल्क टीवी है ये ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, बाकी यहाँ पे आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा। जो ये बाबा से इन्फॉर्मेशन अभी हम लिए हैं, बाबा का कहना है कि अजगैबीनाथ में जो बाबा थे, क्या नाम बताया आप एक बार, अजनबी नाथ नाम के एक बाबा थे जो डेली 24 घंटे में 108 किलोमीटर की यात्रा, आना जाना उनका होता था, दिनचर्या था। इसके बाद यहाँ पे उनको स्थापित कर दिया गया, अब उनके भक्त आते और जाते हैं। साल में एक महीना का मेला लगता है और ये बड़े धूमधाम से लगता है। तो चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं इस विषय पे, तो चलिए अब कुछ देख लेते हैं, इधर दिखाते हैं क्या क्या खासियत यहाँ का। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम हुआ, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र सिंह यादव, कहाँ से आए आप? जी, मैं कौशाम्बी से हूँ, पहले इलाहाबाद जिला ही डिस्ट्रिक्ट था। मतलब काफी दूर से आए हैं। हाँ, कहाँ है यहाँ से? सावन माह का ये पहला दिन है, आप लोग पूरे धूमधाम से यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे, यहाँ का क्या खास बात है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। खास बात यह है कि एक महादेव का जी का विशेष स्थान है यहाँ पर, और विशेष स्थान होने के नाते और सारे देवताओं में सर्वोपरि माने गए हैं शंकर जी भोलेनाथ, इसलिए अब श्रद्धा भाव को यहाँ समर्पित करने आए हैं, बाकी और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आप कावरिया है या डाक बम है? नहीं नहीं नहीं, हम कावर बम है। कावर बम है। भगवान से क्या आपका क्या मांगना है? सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। बाकी आप भी बताएं क्या नाम है आपका? अरे, जितने भक्त जन हैं सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, उसके साथ साथ पूरे विश्व समाज का सभी का कल्याण हो। धर्मेंद्र गुप्ता, भक्तों को क्या कहना चाहते हैं? भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि तन और मन दोनों के साथ श्रद्धा भाव से भोलेनाथ का दर्शन करें, जिससे उनका कल्याण और देश का हमारे कल्याण हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कैसा सुरक्षा आपको लग रहा है? इतनी बेस्ट सुरक्षा है कि इतनी बार हम आए हैं, लेकिन कोरोना में 2 साल बंद रहा कारणवश, लेकिन इस बार बेस्ट सुरक्षा है। 2 साल जो बंद रहा, इससे पहले 8 लाख का आंकड़ा लगाया गया था एक महीने में, इस बार कुछ ज्यादा आंकड़ा लगाया जा रहा है क्योंकि 2 साल बंद था, बहुत लोग जो नहीं आ पाए हैं इस बार, उनसे ज्यादा तादाद में अगर 8 बंद तो 8 का दूना 15 या 16 करोड़, 12-13 लाख का आंकड़ा लगाया जा रहा है। 12-13 लाख का, तो उससे मैंने दूना मान के चलिए, इसलिए कि इस बार 2 साल का गैप था और लोगों के श्रद्धा भाव इतना ज्यादा है, उस श्रद्धा भाव के नाते भोलेनाथ का दर्शन करने और विश्व कल्याण के लिए सब लोग दर्शन करेंगे, साथ में अपना भी कल्याण करेंगे। कहा जाता है कि इतना ज्यादा बाबा में शक्ति है कि लोग पैदल चलते हैं रोड पे, नीचे कंकड़ बालू होने के कारण छारा लग जाता है, फिर भी पता नहीं चलता, जल ढरने के बाद समझ में आता है कि कुछ हुआ भी है। देखिए, ऐसा है, भोलेनाथ की कृपा है, अगर हमको वो कष्ट देते हैं तो हमको कष्ट से निवारण भी करते हैं, और कितना कष्ट क्या है, कुछ नहीं। भगवान के दर्शन पाने के लिए आदमी अपना सब कुछ न्यौछार करने के लिए तैयार है, तो ये छाले क्या हैं? छाले तो एक फूल की तरह हैं, जो पैरों में आते और चले जाते हैं, वही कष्ट हरता हैं और वही कष्ट देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा स्नान करना भी चाहिए। बिना संकट के तपस्या नहीं हो सकती है, संकट झेलना होगा, वही संपूर्ण तपस्या है, संकट उठाएंगे तभी तपस्या है ये ना, तपस्या करने सोरा होगा तो नहीं है, लेकिन तपस्या से ही जो है
कुछ साल में एक बार ये पर्व आता है, लेकिन ये पर्व जो है कम से कम जो लोग चलते नहीं है 108 किलोमीटर चलने का एक मौका भी देता है और स्नान भी करना चाहिए, गंगा स्नान ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो यहाँ के लोगों से हमको पता चला काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सुरक्षित व्यवस्था किया गया है, लेकिन घाट का उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, आज ही हो जाएगा। कल से नया घाट का जो उपयोग लोग कर पाएंगे और यहाँ पे श्रद्धालु जो भी आएंगे उसको बहुत ही बढ़िया से यूज करेंगे और अपना यात्रा संपन्न बनाएंगे। घाट दिक्कत है नहाने में, जितने तीर्थ यात्री आ रहे हैं। क्या नाम, आपका नाम क्या हुआ? हृदय नारायण है। जोर से थोड़ा बोलिए। हृदय नारायण। हृदय नारायण बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हमारी प्रशासन से बहुत अच्छी ये है, उनके लिए दुआ भी है, आशीष है, सब कुछ है। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, केवल कमी है तो एक घाट की कमी है। अगर घाट बन जाए तो घाट तो बन गया नया घाट। अरे ये यहाँ भी कूद कूद करके सड़क गिर करके पब्लिक उठ रही है, देख लीजिए यहाँ पे व्यवस्था बिहार है, इतना व्यवस्था खराब है, कम से कम एक घाट बन गया, बहुत ही बड़ा बात है, बहुत ही बड़ा बात है। एक घाट सुनिए, बोलने दीजिए, एक घाट का भी उद्घाटन नहीं हुआ है, दूसरा घाट का मांग कर दिया, नहीं कह लगता है आपको? नहीं नहीं, ये सुनिए, ये नहीं कह रहे, हम 5 साल से आ रहे हैं, इसी के कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मांग करना चाहिए, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, बोलिए। हम कोई उन पर दबाव तो आशा, देखिए हम आशा करते हैं कि अगले बार जो है ना ये भी घाट उस तरह का दिखेगा, चकाचक दिखेगा। जो भी नेता मंत्री यहाँ के पूरा अभी भाषण दे रहे हैं, अपना अपना ट्रेस्टी सुना रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हो सकता है किसको भी करवा दे वो। देखिए बूढ़े बुजुर्ग विश्वास रखिए, आते हैं लोकतंत्र पे विश्वास रखिए। बाबा ने तो सब कुछ किया है हम लोगों के लिए, अयोध्या को उन्हें अयोध्या नगरी बना दिया, अब हम वही इच्छा चाहते हैं कि हम यहाँ भी अच्छा से अच्छा हो। जी बाबा बढ़िया बना भी रहे हैं, बुलडोजर चला के बिगाड़ भी रहे हैं। नहीं देखिए क्या होता है, अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें तो आती हैं। अच्छा एक चीज और आप लोगों से जानना चाहेंगे हम, ये जो एक बार इधर क्लोज आ जाओ ना, ये जो उठाते हैं आप लोग कवर, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, कुछ लोग नहीं जानते इसमें क्या क्या चीज होता है, ये सब थोड़ा एक बार बताइए। क्या होता है, इसमें गंगा जल है, साथ में कसैली जिसको सुपाड़ी बोलते हैं जल में होता है, चावल होता है, बेलपत्र होता है, और उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ एक कसम लिया जाता है कि हम पैदल यात्रा 110 किलोमीटर की बाबा बैद्यनाथ की करेंगे, और ये कसम खाते कहीं कांवर रखेंगे तो उसकी भी क्षमा मांगेंगे, उठाएंगे बेड़े पर जमीन पे कहीं नहीं रखेंगे, उसकी भी क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगते हुए बाबा बैद्यनाथ का जल चढ़ाएंगे और दर्शन करेंगे अपनी इच्छाओं की मनोकामना की पूर्ति के लिए। मतलब ये कह ले कि कांवर का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए हम इसको एकदम जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे हम, ताकि मनोकामना हमारा पूरा हो। मनोकामना आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, और भी लोगों को हम देखते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भैया। बोल 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 जन, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भैया। बाबा से पहले बात करेंगे, बाबा को टारगेट किए दूर से हम। क्या नाम है बाबा आपका? नंद किशोर। कहाँ से आए हैं आप? गोंडा से। कितना दूर है यहाँ से 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर दूर से बाबा के नगरी में पाए हैं। क्या चंबा वाला, कितना उम्र आपका हुआ? हमारा 60 साल का उम्र है। 60 साल का उम्र है। कैसे, ट्रेन से आए थे? ट्रेन से आए थे। यहाँ से 108 किलोमीटर आप कमरिया बन के जाइएगा डाक बम। देख लीजिए 60 साल का उम्र में ये डाक बम बन के जाएंगे। डाक बम का खासियत है यहाँ से एक बार जल भर के कांवर उठा ले तो सीधे बाबा तक पहुँचेंगे बिना कहीं बीच में रुके। क्या क्या खास बात है बाबा डाक बम का, जरा बताइए आप। कामना पूरे करते हैं। क्या मांग है बाबा से आपको? आपको मांग दुनिया खुश रहे। दुनिया खुश रहे। और कोई मांग नहीं, इतना दूर से हर साल आते हैं आप? नहीं, पहला बार है। अच्छा पहली बार आए हैं। इसके बाद भी आइएगा? हाँ आएंगे, जब तक रहेंगे तब तक आएंगे। जीवन जब तक रहेगा तब तक आएंगे। खास यहाँ पे कोई खास चीज आपको दिखा आने के बाद? हमको दिख रहा है, हम तो इसलिए दाढ़ी बाल पक गया हमारा। बहुत अच्छा, दाढ़ी बाल पक गया ना। मतलब इतना दूर से देख लीजिए बाबा, इतना दूर से आए हैं, दाढ़ी बाल पक गया, 60 का उम्र है, फिर भी ये 108 किलोमीटर डाक बम को उठा करके यात्रा करेंगे। कहीं डाक बम में रखना नहीं है, कहीं पैदल रुकना नहीं है। देख लीजिए 60 साल का उम्र में अगर 108 किलोमीटर चलने का ये काबिलियत रखते हैं तो जो युवा हैं वो तो 500 किलोमीटर चलने का उनको काबिलियत होना चाहिए। भगवान, देखिए भगवान में इतना ज़्यादा शक्ति है कि उनको एक प्रेरणा लेके लोग चलते हैं और चलते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बात है, और जल ढार के ही संतोष लेते हैं। चलिए बाबा आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा हमको। ठीक है।
देख लीजिए बाबा में यहाँ इतना शक्ति है कि इनका पैर में भी प्रॉब्लम है, फिर भी ये यात्रा के लिए आए हुए हैं। ये भी सावन का पहला दिन है, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नितेश मदेसिया। जोर से बोलिएगा। नितेश कुमार मदेसिया। कहाँ से आए हैं आप? मऊ से। मऊ से कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 450 किलोमीटर। देख लीजिए इनका पैर में प्रॉब्लम है, बाबा का श्रद्धा इतना ज़्यादा इनके मन में है कि 450 किलोमीटर दूर से ये आए हैं, यहाँ से अब स्नान करने जा रहे हैं। यहाँ अभी गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, जल लेने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं आप तो पैदल नहीं चल पाइएगा, तो व्हील चेयर से जाना है आपको? हाँ, व्हील चेयर से वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से गंगा स्नान करेंगे, फिर व्हील चेयर से जितना हो सके उतना चलेंगे। देख लीजिए इनका देख लीजिए इनका हिम्मत अभी तक है। ये इनका ये कहना है कि व्हील चेयर से जाएंगे, स्नान करेंगे, इसके बाद जितना दूर व्हील चेयर से जाने का हिम्मत होगा हम जाएंगे, इसके बाद दूसरा हम कोई व्यवस्था देखेंगे, लेकिन बाबा तक जरूर जाएंगे, बाबा तक जल चढ़ाएंगे। जाते हैं बाबा। बाबा के दरबार में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे मिलकर आभार प्रकट करते हैं बड़े भैया आपको कि आपने। कहाँ से आए आप? मऊ से हम लोग आ रहे हैं, यूपी पूर्वांचल। यूपी पूर्वांचल इतना दूर से आ रहे हैं? जी हम लोग आ रहे हैं वहाँ से बाबा धाम के दर्शन करने के लिए, और हमारा एक ही मकसद है, चाहे जैसे भी हो बाबा का दर्शन करना है। बोला बोला हरे हरे हरे। बहुत ज्यादा कड़ा सुरक्षा का प्रबंध कराया गया है, आइए हम बात करते हैं इनसे। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा एकदम सुरक्षा यहाँ पे कड़ा दृष्टि से यहाँ चलाया जा रहा है, यहाँ पे क्या क्या सर आप चौकन्ना देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ कर रहे हैं? हम आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बता देते हैं कि आपका ये सीढ़ी घाट जाने का रास्ता है, फिर आपको इधर बाबा धाम जाने का रास्ता है। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरह के इनके साथ किसी चोरी ये वगैरह, और फिर आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बाकी आप जागरूक करते हैं सबको? हाँ, हाँ, हाँ। जो भी हेल्प चाहिए हेल्प चाहते हैं, हम आप उनको बताते हैं। हम लोग सारा विधि व्यवस्था को देख भी रहे हैं कि किसी भी तरह का उनको कोई कई लोग बाइक लेके इधर से घुस जा रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे थे, तो कई लोग रोका जा रहा है, कई लोग को आप यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, कई लोग को नहीं करते, क्या कारण है इसका? इसके पीछे ये रीजन है कि कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर अंजनी सिंह है, तो कुछ लोग पेशेंट है, जैसे उनके पास पुर्जा होता है वैलिड देखते हैं, या कोई अपना, फिर जिनका अपना घर है, अपना घर वाले को नहीं, उनको भी अभी रोका जा रहा है कि जब तक भी वीआईपी मूवमेंट है तब तक रोका जा रहा है। अभी जो मंत्रीगण आए हैं, हाँ हाँ, इसीलिए वीआईपी मूवमेंट में रोका गया, ये एग्जिट है, तो वीआईपी मूवमेंट के कारण उनको रोका जा रहा है, और जो परिस्थिति बस जैसे किसी डॉक्टर के पास जाना है उन्हीं को इधर से अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि इधर एक डॉक्टर साहब डॉक्टर के लिए अलाउ किया जा रहा है। बाकी आप लोग का जो यहाँ पे व्यवस्था है बहुत ही बढ़िया हमको नजर आ रहा है, थोड़ा सा ये हम पूछने के लिए आ गए कि कई लोग जा रहे हैं कई लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि सवाल करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वही है डॉक्टर का इशू है, जो डॉक्टर है कोई डॉक्टर का इलाज करवाने जा रहा है। चलान वलान भी कट रहा है इधर? नहीं नहीं, चलान का नहीं है, चलान का नहीं है, अभी समझा लिया जाता है, बता दिया जाता है कि अभी वीआईपी मूवमेंट है और आने जाने में परेशानियां, इसलिए आप दूसरा कोई रूट वैकल्पिक मार्ग, क्योंकि कोई भी लोग यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस को, इसलिए हम इस पे सवाल किया। हम खुद एक्टिव हैं यहाँ पे, हम खुद खड़े होकर काम कर रहे हैं सुबह 8 से अभी तक, और एक्टिवली काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका काम सराहना करते हैं, आपसे बात करके बढ़िया लगा, धन्यवाद। धन्यवाद।